उत्तर प्रदेश के वाराणसी से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर पड़ती है एक ऐसी जगह जहां पे भगवान बुद्धा ने सबसे पहली बार अपने 5 डिसाइपल्स को सबसे पहला ज्ञान दिया था। उस जगह का नाम है सारनाथ। जी हां, बुद्धा जी के जीवनी के 4 जरूरी जगहों में से एक है सारनाथ, जहां पर उन्होंने सबसे पहली बार अपना ज्ञान बांटा था और इसी के बाद से उन 5 डिसाइपल्स ने पूरी दुनिया में बुद्धिज्म फैलाया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनुज बंसल एंड वेलकम टू अनुज बकेट। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सारनाथ के बारे में, वो जगह जो बुद्धिज्म के लिए सबसे जरूरी जगहों में से एक है और जहां से आपको पता चलेगा बुद्धिज्म और लॉर्ड बुद्धा के बारे में काफी सारे रहस्य। तो हमारी ये वीडियो अंत तक देखना और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बस दबाइए लाल बटन जिसके बाद बेल आइकन के साथ दबा सकते हैं आप ऑल नोटिफिकेशन। नंबर 1, 4 मुख्य स्थल। तो फर्स्ट आप जिस प्लेस पे घूमने के लिए आए हैं इस प्लेस को बोलते हैं सारनाथ, और ये सारनाथ वाराणसी सिटी से 15 किलोमीटर आउटसाइड पर है। और ये सारनाथ लॉर्ड बुद्धा का थर्ड प्लेस माना जाता है क्योंकि पूरा बुद्धिज्म में लॉर्ड बुद्धा का इंपोर्टेंट 4 प्लेस होता है। फर्स्ट प्लेस है आपका लुम्बिनी नेपाल, जहाँ पे बुद्धा का बर्थ प्लेस है। सेकंड प्लेस है बोधगया बिहार, जहाँ पे गौतम बुद्धा ने इनलाइटमेंट किया ट्री के नीचे। थर्ड प्लेस है सारनाथ, तो सारनाथ में लॉर्ड बुद्धा ने 5 स्टूडेंट को पहला स्पीच, पहला सर्मन, फर्स्ट लेक्चर इस प्लेस पे किए। और इस प्लेस से 5 स्टूडेंट श्रीलंका, बर्मा, कोरिया, टिबेट, ये एवरी प्लेसेस जाके बुद्धिज्म को स्टार्ट किए, बुद्धिज्म को प्रचार किए। तो इस प्लेस को बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज्म के नाम से जानते हैं सारनाथ। और यहाँ से लास्ट प्लेस पड़ता है आपका कुशीनगर गोरखपुर के पास, जहाँ पे गौतम बुद्ध का देह हुआ महापरिनिर्वाण। भगवान बुद्धा की जीवनी के 4 मुख्य स्थल पूरे भारत में माने जाते हैं, जिसमें सबसे पहला स्थल है वो जगह जहाँ भगवान बुद्धा जी का जन्म हुआ था, वो है लुम्बिनी नेपाल में। दूसरी जगह जहाँ बुद्धा जी को एनलाइटमेंट मिली थी वो थी बोधगया, जो कि है बिहार में। तीसरी जगह जहाँ बुद्धा जी ने अपना सबसे पहला ज्ञान बांटा था वो थी सारनाथ वाराणसी के पास। और चौथी जगह जहाँ माना जाता है कि बुद्धा जी ने अपनी अंतिम सांसें ली थी वो है कुशीनगर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास। नंबर 2, दरियन लेम। और ये सामने आप जो टेम्पल देख रहे हैं ये सारनाथ का मेन टेम्पल कहते हैं, और इस टेम्पल का हिंदी नाम है मूल गंध कुटी विहार। और इस टेम्पल को निर्माण करने वाले बनाने वाले श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु बौद्ध सन्यासी, उनका नाम है देवमित्र अनागारिका धर्मपाला और वो फाउंडर है महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया, बुद्धिस्ट सोसाइटी के फाउंडर है। सारनाथ में जो आप मंदिर घूमने जाते हैं उस मंदिर का नाम है मूल गंध कुटी विहार, जिसे बनवाया था देवमित्र अनागारिका धर्मपाल जी ने, जो कि भारत की महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के फाउंडर भी रह चुके हैं। नंबर 3, द बिल्ड। ये टेम्पल यहाँ पे बिल्ट हुआ, कम्प्लीट हुआ 1931, और इस टेम्पल को बनाने के लिए 72,000 रुपीस का बजट है। 72,000 रुपए में ये पूरा बिल्डिंग बन के कम्प्लीट हुआ 1931 में। मूलगंध कुटी विहार मंदिर जो कि सारनाथ में है वो बनवाया गया था 1931 में, और जिसे बनवाने की कुल लागत लगाई गई थी तकरीबन 72,000 रुपए उस समय की, जिसकी आज के समय की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। नंबर 4, ओरिजिनल रेलिक्स। और इस टेम्पल का विशेष है कि इस टेम्पल के अंदर में गौतम बुद्धा का ओरिजिनल रेलिक्स है। इस टेम्पल का इम्पोर्टेंट ये है कि इस टेम्पल के अंदर में गौतम बुद्धा का ओरिजिनल रेलिक्स है, रेलिक पार्ट्स ऑफ बुद्धा इनसाइड टेम्पल। वो वन टाइम ओपन करते हैं नवंबर टाइम कार्तिक पूर्णिमा, तो उस टाइम यहाँ पे तिब्बत, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, कोरिया जो भी बुद्धिज्म को मानते हैं वो यहाँ पे लाखों की संख्या में इकट्ठा होते हैं। तो उसके अलावा नहीं देख सकते, उसके अलावा नहीं खोलते, सिर्फ साल में एक ही दिन ओपन किया जाता है, उसी टाइम बुद्धिस्ट फेस्टिवल, बुद्धिस्ट महोत्सव मनाया जाता है। बाकी टाइम वो अवशेष को इज्जत और सम्मान के साथ टेम्पल के अंदर में रख देते हैं। सारनाथ के मूलगंध कुटी विहार मंदिर में आपको बुद्धा जी के ओरिजिनल रेलिक्स भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि साल में सिर्फ एक ही दिन जनरल पब्लिक के लिए खोले जाते हैं, जो कि है नवंबर में आने वाली कार्तिक पूर्णिमा के दिन। उस दिन दुनिया भर से लोग सारनाथ आते हैं सिर्फ बुद्धा जी के ओरिजिनल रेलिक्स को देखने के लिए। नंबर 5, द 8 फीट स्टेच्यू। टेम्पल के अंदर में देखने के लिए मिलेगा आपको गौतम बुद्धा का 8 फीट का स्टेच्यू। वो स्टेच्यू देखेंगे तो आपको पूरा गोल्ड का लगेगा, लेकिन वो गोल्ड का है नहीं, वो स्टेच्यू जयपुर का मार्बल स्टोन है और स्टोन के ऊपर गोल्ड प्लेटेड है। सारनाथ के मंदिर के अंदर आपको बुद्धा जी का 8 फीट लंबा स्टैचू देखने को मिलेगा, जो कि देखने में लगता है कि वो सोने का बना है, हालांकि वो स्टैचू बना है जयपुर के मार्बल का, जिस पे गोल्ड की प्लेटिंग की गई है। नंबर 6, जापानीज आर्टिस्ट। और इनसाइड टेम्पल में कुछ पेंटिंग वगैरह भी किए गए हैं, वो पेंटिंग सभी बुद्धा का जीवन से लेके मृत्यु तक का है। वो पेंटिंग को बोलते हैं लाइफ ऑफ बुद्धा। वो पेंटिंग को जापान के दो भाई कोशु और नोसु, उनके द्वारा वो पेंटिंग को दर्शाया गया 1932 और 1936, 4 ईयर्स में वो पेंटिंग को कम्प्लीट किया जापान के दो भाई कोशु और नोसु। टेम्पल बनाया गया श्रीलंका के द्वारा, बट इनसाइड जो पेंटिंग है वो पेंटिंग जापान के द्वारा दर्शाया गया। सारनाथ में बने मूलगंध कुटी विहार मंदिर के अंदर लॉर्ड बुद्धा की जीवनी को पेंटिंग्स के द्वारा दर्शाया गया है, और वो पेंटिंग्स बनाई हैं जापानीज आर्टिस्ट कोसेत्सु नोसु ने, जिसको देवमित्र अन्नगारिका धर्मपाल जी ने पेशली बुलवाया था जापान से, ताकि वो बुद्धा जी की जीवनी पे यह पेंटिंग बनवा सके। नंबर 7, बोधी ट्री। और अभी आप नेक्स्ट जो प्लेस देखने के लिए जा रहे हैं, इस कैंपस को बोलते हैं बोधी ट्री कैंपस। इस कैंपस के अंदर में सामने में जो ट्री लगा हुआ
हुआ है। इस ट्री को बोलते हैं बोधी ट्री। ओरिजिनल ट्री बोध गया जहाँ बुद्धा ने इनलाइटमेंट किया। और सेकेंड ट्री आपका श्रीलंका अनुराधापुरम। श्रीलंका ले गए अशोका के सन डॉटर संगमित्रा और महेंद्र। बोध गया टू श्रीलंका ले गए, वहाँ पे उस ट्री को प्लांटेशन किए। श्रीलंका बुद्धिस्ट हो गए, बौद्ध धर्म को मानने लगे। तो श्रीलंका टू प्लांटेड सारनाथ फाउंडर महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया। ये ट्री ओरिजिनल ट्री का थर्ड जनरेशन है। इसके अलावा चौथा बोधि ट्री कहीं पे नहीं है, सिर्फ तीन है, बोध गया, श्रीलंका और सारनाथ। सारनाथ स्तूपा के मंदिर के पास आपको एक बोधि ट्री कैंपस मिलेगा, जहाँ पर आपको बोध गया के बोधि ट्री की थर्ड जनरेशन देखने को मिलेगी, जिसमें पहली जनरेशन है बोध गया का मेन बोधि ट्री, दूसरी जनरेशन है श्रीलंका का बोधि ट्री और थर्ड जनरेशन है सारनाथ का बोधि ट्री। ये तीनों जनरेशन ही ओनली एग्जिस्टिंग असली जनरेशन मानी जाती है। नंबर 8, प्लेस ऑफ गाइडेंस। और इसी ट्री के नीचे में 5 स्टूडेंट बैठे हुए हैं लॉर्ड बुद्धा स्पीच करते हुए। तो इस प्लेस पे एक स्टेचू और एक मॉडल करके दिखाया कि गौतम बुद्धा ने सारनाथ में 5 लोगों को ऐसा स्पीच किया। लेकिन जहाँ पे किए थे वो ओरिजिनल प्लेस है, वो बौद्ध स्तूपा जो बिल्ड बाय किंग अशोका। उस जगह पर गौतम बुद्धा ने आज के 2600 वर्ष पहले प्रथम शिक्षा, पहला उपदेश उस जगह पर दिए थे। सारनाथ के बोधि ट्री कैंपस में आपको बुद्धा जी के एक स्टैचू देखने को मिलेगा, जिसमें वो अपने 5 डिसाइपल्स को ज्ञान देते हुए दिखाई देंगे। ऐसा माना जाता है कि जब बुद्धा जी ने अपने डिसाइपल्स को ज्ञान दिया होगा तो वो दृश्य इसी तरह दिखता होगा। हालांकि जिस एक्चुअल जगह पे बुद्धा जी ने ज्ञान दिया था, उस जगह पर सारनाथ स्तूपा बनाया गया है राजा अशोका द्वारा, जो कि बोधि ट्री कैंपस से थोड़ी ही दूर स्थापित किया गया है। नंबर 9, द बुद्धा स्टैचू। वो कैसे दिए थे उनका मॉडल, उनका स्टैचू स्ट्री के नीचे में रंगून के लोगों ने बनाया, रंगून बर्मा म्यांमार। उन्होंने कल्पना किया कि गौतम बुद्धा ने 5 लोगों को सारनाथ में प्रथम उपदेश ऐसा दिया। उन्होंने 1988 में स्टैचू बनाकर स्ट्री के नीचे डोनेट किए और स्टैचू को ओपनिंग करने के लिए यहाँ पे श्रीलंका के प्रेमदासा प्राइम मिनिस्टर उनको बुला के उनके हाथ से ये स्टैचू का ओपनिंग किया गया। आज से तकरीबन 2600 साल पहले बुद्धा जी ने अपने 5 डिसाइपल को ज्ञान दिया, जिसका स्टैचू आप सारनाथ के बोधि ट्री कैंपस में लगे देख सकते हैं। ये स्टैचू बनवाए थे रंगून के लोगों ने, जो कि बनवाए गए थे 1988 में। और इन स्टैचूज का इनॉग्रेशन करने के लिए श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर खुद सारनाथ आए थे। नंबर 10, द 5 कलर फ्लैग्स। और इसके अंदर में आपको बहुत सारे फ्लैग वगैरह बने हुए मिलेंगे, जो सभी बुद्धिज्म के लोग प्रेयर के बांधते हैं, क्योंकि बुद्धिस्ट टेंपल में कोई आरती कोई पूजा पाठ नहीं होता है, ये सिर्फ वंदना करते हैं, प्रेयर करते हैं। तो प्रेयर करने के बाद ये सभी फ्लैग बांधते हैं। ये 5 कलर्स के होते हैं और ये 5 कलर सिंबल ऑफ बुद्धिज्म। श्रीलंका, बर्मा, कोरिया, टिबेट, एवरी बुद्धिस्ट लाइक 5 कलर। ऐसा कहते हैं कि बुद्धिज्म फॉलो करने वाले कभी आरती या पूजा नहीं करते, वो बस पीस और शांति में बिलीव करते हैं और भगवान के लिए प्रेयर करते हैं। और अपनी बिलीव्स को फॉलो करते हुए वो हर जगह ये 5 रंग के फ्लैग्स बांधा करते हैं, जो कि सिंबल्स ऑफ बुद्धिज्म माने जाते हैं। और जहां भी आपको ये फ्लैग्स लगे मिलेंगे, इसका मतलब ये होगा कि वहां पर शांति और पीस के फॉलोअर मौजूद हैं। नंबर 11, चैंटिंग बेल। लेफ्ट साइड में एक चैंटिंग बेल है जो जर्मन के द्वारा डोनेट किया 2005 में। 2 टन इस बेल का वजन है। सुबह में 4 बजे शाम को 6:30 डेली बजता है और ये दोनों टाइम प्रेयर का है, क्योंकि ये बुद्धिस्ट टेंपल, इसमें कोई आरती कोई पूजा नहीं, सिर्फ प्रेयर। तो प्रेयर के टाइम इसको बजाते, फिर इनसाइड टेंपल में सभी बुद्धिस्ट बैठ के प्रे करते हैं। ये 2 किलोमीटर इसकी साउंडिंग है बेल की। सारनाथ के बोधि ट्री कैंपस में आपको एक चैंटिंग बेल लटकी हुई मिलेगी, जो कि जर्मन्स के द्वारा 2005 में बनवाई गई थी। इस बेल का कुल वजन है 2 टन और ये पूरे दिन में सिर्फ 2 बार बजवाई जाती है, जिसमें पहली बार ये बजाई जाती है सुबह 4 बजे और दूसरी बार शाम को 6:30 बजे। ये दोनों समय बुद्धिस्ट मंक्स की प्रेयर का टाइम होता है और कहते हैं कि इस बेल की आवाज तकरीबन 2 किलोमीटर दूर तक भी सुनाई देती है। नंबर 12, द मंत्र व्हील। और बाकी लगे हुए जो तांबे के, इसको प्रेयर व्हील्स कहते हैं। इसके ऊपर में जो राइटिंग की है वो सभी टिबेट के पवित्र मंत्र है। उस मंत्र को बोलते हैं ओ माने पद्मे हूं, टिबेट मंत्र। उसको घुमाने से उस मंत्र के जाप होते हैं और उच्चारण होते हैं। वो विशेष जैसे इसलिए घुमाते हैं कि जैसे हम लोग वॉकिंग करते हैं तो कोई चींटी कोई कीड़ा पैर से दबके मर जाता है या फिर हमको कुछ भूल हो जाता है, तो उस पाप को मिटाने के लिए बुद्धिस्ट लोग इस चीज को घुमाते हैं। अब जितना भी टेम्पल मोनेस्ट्री देखेंगे, सभी टेम्पल मोनेस्ट्री में आपको ये प्रेयर व्हील्स मिलेंगे। जब भी आप किसी बुद्धिस्ट टेम्पल में जाएंगे, वहाँ आपको एक तिब्बतियन मंत्र व्हील देखने को मिलेगा, जिसे एक बार घुमाने का मतलब है कि एक प्रेयर कम्प्लीट कर लेना। कहते हैं कि इस मंत्र व्हील को जो जितनी ज्यादा बार घुमाएगा, उतनी बार उनकी प्रेयर रिपीट मानी जाएगी, और जितनी बार आप ये प्रेयर रिपीट करेंगे, आपके उतने पाप धुलते जाएंगे। नंबर 13, सारनाथ स्तूपा। और ये सामने आप जो बना हुआ चीज देख रहे हैं, ये इधर का ओरिजिनल है। इसी के नाम से सारनाथ को फेमस और प्रसिद्ध माना जाता है। सारनाथ में गौतम बुद्धा ने जो पहला शिक्षा, पहला प्रवचन किए थे 5 लोगों को, वो इसी जगह पर किए थे। और यहाँ पे जब गौतम बुद्धा आए थे आज के 2600 वर्ष पहले, तो उस टाइम यहाँ पे कोई टेम्पल कोई मोनेस्ट्री कोई स्तूपा नहीं था। ये जगह पूरा फॉरेस्ट था और इस जगह पे बहुत सारे डियर वगैरह रहते थे। उनके नाम से इस जगह का नाम था डियर पार्क। डियर पार्क में गौतम बुद्धा ने इस जगह पर एक स्टोन के ऊपर बैठ के 5 स्टूडेंट को पहला स्पीच पहला सरमन इस जगह पर किए थे। और इसी जगह से वो 5 स्टूडेंट श्रीलंका, बर्मा, कोरिया, टिबेट, ये
ये सभी जगह जाकर बौद्ध धर्म को स्टार्ट किए, बुद्धिज्म को प्रचार किए। सारनाथ के मूलगंध कुटी विहार मंदिर के पास ही आपको देखने को मिलेगा सारनाथ स्तूपा, जो कि वो एग्जैक्ट जगह मानी जाती है जहां 2600 साल पहले बुद्धा जी ने अपने पांचों डिसाइपल्स को ज्ञान दिया था और उसके बाद वह पांचों दुनिया के अलग अलग कोने की तरफ बढ़ गए बुद्धिज्म का प्रचार करने, और जिन पांच दिशाओं में आता है श्रीलंका, बर्मा, कोरिया, तिब्बत और गंधार। नंबर 14 किंग अशोका। तो इस जगह को एक धार्मिक और एक इम्पोर्टेंट प्लेस मानकर सम्राट अशोक कलिंग युद्ध करने के बाद उन्होंने जब बौद्ध धर्म को अपनाया, बुद्धिज्म को अपनाया, उन्होंने ये स्तूपा को निर्माण किया, बिल्ड किया किंग अशोका ने। किंग अशोका जो कि अपने समय के एक बहुत ही क्रूर और निर्दयी राजा थे, उन्होंने अपने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया, जिसके बाद वो बहुत पीसफुल राजा बने और उन्हीं ने यह सारनाथ स्तूपा बनवाया जो कि बुद्धा जी के पहले दिए गए ज्ञान की निशानी बनी। नंबर 15 ब्रिक स्ट्रक्चर। और इस स्तूपा के अंदर में कोई हॉल, अंदर में कोई स्टेचू, कोई डोर, कोई विंडो नहीं है। स्तूपा पूरा सॉलिड है और पूरा पैक है चारों तरफ से। ये आपको लेफ्ट राइट बैक फ्रंट एक गोल आकार में दिखेगा और 104 फीट इसकी हाइट है, 93 फीट इसका व्यास है सर्कल, और इसके ऊपर जितने बाहर से स्टोन लगे हुए देख रहे हैं वो सभी बाद में भारत सरकार इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा दोबारा रिपेयर किया गया, क्योंकि जैसा टॉप में दिख रहा है वैसा नीचे में भी पूरा ब्रिक का बना हुआ था। सारनाथ में बना सारनाथ स्तूपा की कुल ऊंचाई है 104 फीट और इसका सर्कमफ्रेंस यानी सर्कल है 90 फीट का, और यह स्तूपा इतना अद्भुत है कि इसमें ना तो कोई खिड़की है ना कोई दरवाजा, और ये जगह चारों तरफ से ईंटों से बंद कर दी गई थी। नंबर 16 डिस्ट्रॉयड बाय मुगल। इस स्तूपा को जब किंग अशोका ने बिल्ड किया तो ये बीच में मुगल पीरियड आया। मुगल लोगों ने सोचा कि जब सम्राट अशोका ने इतना बड़ा बिल्डिंग बिल्ड किया तो इनसाइड में कुछ गोल्ड, सिल्वर, मनी, कोई खजाना अंदर रखकर इस चीज को बिल्ड किया। तो मुगल लोगों ने टाइम बाय टाइम इसको लालच के लिए जगह जगह से पूरा डिस्ट्रॉय किए, तोड़ दिए, लेकिन उनको कुछ मिला नहीं। तो बाद में भारत सरकार इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा वो स्टोन इसके ऊपर दोबारा रिपेयर किया गया सेफ्टी के लिए। कहते हैं जब मुगलों का हिंदुस्तान पे राज हुआ तो उन्होंने अशोका जी के द्वारा बनवाया गया ये स्तूपा देखा और उन्हें लगा कि इस स्तूपा के अंदर अशोका जी ने काफी सारे हीरे, जवाहरात और खजाना छुपाया हुआ है। इसलिए टाइम के साथ साथ उन्होंने इस स्तूपा को तोड़ना शुरू किया उस खजाने की खोज में, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला। फिर आजादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इस जगह को फिर से रेनोवेट किया। नंबर 17 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और ये बिल्डिंग 2300 इयर्स ओल्ड प्लेस है, अभी मेंटेन करते आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI। इसके अंदर में दो टिकट है, इंडियन पीपल 25 रुपीस एंड फॉरेन पीपल 300 रुपीस टिकट, लेकिन इनसाइड स्तूपा में नथिंग, ओनली फॉर आउटसाइड। और इसके क्लोजअप जो लद्दाख, भूटान, टिबेट से बुद्धिस्ट लोग आते हैं वो इसके क्लोजअप जाते हैं, वहाँ पे कैंडल, धूप वगैरह जलाते हैं, 1 आवर 2 आवर बैठ के मेडिटेशन प्रे करते हैं। आज के समय सारनाथ स्तूपा मेंटेन किया जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI द्वारा, जो कि भारत की एक बहुत ही बड़ी हेरिटेज साइट बन चुकी है। यहाँ की एंट्री फीस है इंडियंस के लिए 25 रुपए और फॉरनर्स के लिए 300 रुपए, और इसे सिर्फ बाहर से ही घूम सकते हैं। नंबर 18 हीनयान और महायान। और बुद्धिज्म में दो पार्ट्स को माना जाता है, एक होते हैं हीनयान और दूसरे होते हैं महायान। जैसे जैनिज्म में होते हैं दिगंबर और श्वेतांबर, उसी तरह बुद्धिज्म में होते हैं एक हीनयान और दूसरे महायान। हीनयान के लोग स्टेचू की पूजा करते हैं, टेम्पल को मानते हैं, और जो महायान के लोग होते हैं वो टेम्पल को नहीं मानते हैं, वो ऐसे स्तूपा को पूजा करते हैं। एक इधर में पूजा पाठ करते हैं और एक मंदिर स्टेचू को पूजा पाठ करते हैं। बुद्ध ने यहाँ पे कैसे शिक्षा दिया था, उपदेश दिया था, उनका मॉडल, उनका स्टेचू अभी ट्री के नीचे आपने देखा, लेकिन वहाँ पे एक कल्पना, एक मॉडल, लेकिन ओरिजिनल प्लेस ये, यहाँ पे बुद्ध ने शिक्षा दिया, यहाँ से बुद्धिज्म स्टार्ट हुआ। इसके लिए इस बिल्डिंग को बोलते हैं मेमोरी ऑफ बुद्धिज्म, और जहाँ पे इस बिल्डिंग को बिल्ड किया ये प्लेस, ये जगह बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज्म के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि बुद्धिज्म में भी दो तरीके के बुद्धिस्ट होते हैं, जिसमें पहला होता है हीनयान जो कि पूजा करते हैं प्रतिमाओं की, और दूसरे होते हैं महायान जो कि पूजा करते हैं स्तूपास की। इसलिए सारनाथ स्तूपा में पूजा करने वाले बुद्धिस्ट लोग होते हैं महायान। कहते हैं एक तीसरे तरीके के भी बुद्धिस्ट होते हैं जिन्हें कहते हैं वज्रयाना, जो कि तांत्रिक श्रेणी के होते हैं। नंबर 19 फ्यूचर बुद्धा। ये सामने जो टेम्पल देख रहे हैं, इस टेम्पल का नाम है जैपनीज पगोडा। ये जो टेम्पल के आर्ट से, डिजाइन से ये पगोडा है, और ये टेम्पल यहाँ पे नया बिल्ड किया गया है, ओनली 20 इयर्स बैक का ये टेम्पल बना हुआ है। और इस टेम्पल के अंदर में दो स्टेचू है, एक स्टेचू गौतम बुद्धा का है और दूसरा स्टेचू मैत्री बुद्धा का है। मैत्री बुद्धा ये आने वाले बुद्धा है। ये बुद्धिज्म का ऐसा मानना है, विश्वास से कल्पना है कि बुद्धा कल के अवतार में फिर से जन्म लेंगे, ये फ्यूचर में फिर से आएंगे तो मैत्रीय नाम से आएंगे। जैसे गौतम बुद्धा है सिद्धार्थ के नाम से, उसी तरह ये आने वाले बुद्ध आएंगे तो मैत्रीय नाम से आएंगे। ये आने वाले बुद्ध का टेम्पल बना हुआ है कि बुद्ध कल के अवतार में फिर से जन्म लेंगे तो मैत्रीय नाम से आएंगे। इसके लिए बुद्धिस्ट सोसाइटी के द्वारा ये टेम्पल यहाँ पे बिल्ड कर दिया गया, आने वाले बुद्धा का टेम्पल मैत्री बुद्धा टेम्पल के नाम से इसको जाना जाता है। सारनाथ के सारनाथ स्तूपा के पास आपको एक और मंदिर देखने को मिलेगा जिसका नाम है जैपनीज पगोडा, जो कि तकरीबन 20 साल पहले बनवाया गया था। यह मंदिर है दो तरीके के बुद्धा के लिए, जिसमें पहले बुद्धा है गौतम बुद्ध और दूसरे बुद्धा है मैत्री बुद्धा। ऐसा माना जाता है कि जैसे गौतम बुद्ध ने धरती पे जन्म लिया था, ऐसे भविष्य में मैत्री बुद्धा भी धरती पे जन्म लेंगे, जो कि लॉर्ड
और बुद्धा का ही दूसरा रूप होंगे। तो ये थे सारनाथ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो लाइक दबाएं, नए हैं तो सब्सक्राइब दबाएं, और यदि आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं। हम अपने हर कमेंट के सवाल का जवाब जरूर देते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई सवाल रह जाता है तो हमारे हर सैटरडे होने वाले लाइव सेशन को जरूर अटेंड करें। हम फेस टू फेस आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। इसी के साथ साथ हमने वाराणसी की टॉप प्लेसेस टू विजिट और टॉप प्लेसेस टू ईट की वीडियो भी बना रखी है, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो भी जाके जरूर देखें। और अगर आपको लगता है वीडियो आपके काम की है तो शेयर करें, या फिर हमारा ज्वाइन बटन या थैंक्स बटन क्लिक करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। सो इट वॉज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन। बी वेल, नमस्ते।